हेलो गाइस, आप सबको सुरुआत चैनल पर स्वागत है। आज मैं कोरोना वायरस के कारण क्या क्या अच्छा हुआ है उसके बारे में बात करूंगा और ड्राइंग के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ये कोरोना वायरस के कारण चारों तरफ मायूसी छाया हुआ है, फिर भी इन सब के बीच कुछ अच्छा हुआ है। कोरोना से लॉकडाउन पर सबसे अच्छा असर पर्यावरण पर हुआ है। आसमान साफ है, वायु स्वच्छ है और प्रदूषण मुक्त है। उसका अगर एग्जाम्पल देखे तो जलंधर शहर से पहली बार महान हिमालय दिखाई दे रहा है। दुनिया भर सब हाथ जोड़ के नमस्ते बोले। कोरोना के संक्रमण फैलने के डर से कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा है, मानो जैसे कि हाथ मिलाने का परंपरा एकदम से बंद हो गया है। और भारतीय संस्कृति में अभिवादन की परंपरा नमस्ते को सबने अपनाया। नमस्ते। अब शारीरिक मानसिक सेहत पर बढ़ा ध्यान। जीवन की भागदौड़ में शारीरिक और मानसिक सेहत पर ध्यान रखना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब लोग घर पर रहकर खूब एक्सरसाइज, योगा, ध्यान आदि कर रहे हैं। और मैं ये आशा करता हूं कि ये एक्सरसाइज की आदतें लॉकडाउन के बाद भी बने रहे। मानवता जागी, मदद के हाथ बढ़े। पीएम केयर फंड में दान से लेकर सड़क पर उतरकर खाना खिलाने से लेकर गरीबों में राशन बांटने तक हर कोई मदद कर रहा है। हर कोई एक दूसरे का सहारा बन रहा है। घरेलू महिलाओं को ऐसा आराम कहां? बहुत कुछ काम उनके सर से उतर गया है। बच्चों के पीछे भागदौड़ नहीं, बच्चों को टाइम पर स्कूल पहुंच जाना नहीं है, बच्चों के लिए टिफिन पैक करना नहीं है क्योंकि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है। ना पति ऑफिस जा रहा है, ऑफिस का सारा काम घर में रहकर कर रहा है। घर के हर छोटे बड़े काम में सब एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, सब एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। अनुशासन की आदत। अब सब रूल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी लाइन में नहीं जा रहा था, अब सब लाइन में खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी रख रहे हैं, हर नियम को मुंह बंद करके मान रहे हैं। ख्वाहिशों को पूरा करने का मौका। लॉकडाउन में अपनी अपनी हॉबी पूरा करने का मौका मिला है। किताबों के शौकीन पढ़ने में जुटे हैं तो कुछ अपनी अपनी पसंद की ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। लिखने के शौकीन अच्छे अच्छे थॉट्स, कहानियां लिखकर सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। अच्छे से हाथ धोने के परंपरा। अब सब अच्छे से हाथ धोने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। 20 सेकेंड तक सब अच्छे से साबुन से हाथ धो रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब इस परंपरा को अपना रहे हैं। बच्चों के लिए ऐसा मौका कभी नहीं। लॉकडाउन के कारण बच्चों को ना स्कूल जाना है ना ही ट्यूशन, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी पर ध्यान दे रहे हैं और पढ़ाई को लेकर रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। पड़ोसियों से बढ़ी मेल झोल। जिन पड़ोसियों के बारे में बरसों से पता नहीं, जिनका चेहरा देखे लम्हा बीत गया, अब उनके साथ मेल मिलाप करने का वक्त मिल गया। एक दूसरे से फुर्सत से बात कर रहे हैं। अब वो एक दूसरे से वाईफाई का पासवर्ड शेयर कर रहे हैं। बाकी परेशानियों में भी मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये कुछ अच्छी आदतें हम अपना रहे हैं इन लॉकडाउन में। अगर मेरा ये वीडियो और मेरा ये थॉट्स और मेरा ये प्रेजेंट करने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।